2023 का सेकंड अटेम्प्ट का जब से फॉर्म आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं, तब से बच्चों के मन में लगातार डाउट आ रहे हैं भैया फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूँ। मेक श्योर जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। काउंसलिंग में कोई मिस्टेक ना कर दो, इसके रिगार्डिंग मैं हेल्प पूरा करने वाला हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात करते हैं कि एक आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। जैसे कि आप एनटीए की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, ऑफिशियल साइट पे एक ऑप्शन होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे नया इंटरफेस ओपन होगा। नया इंटरफेस ओपन होते ही एक ऑप्शन होगा न्यू रजिस्ट्रेशन एंड होगा ओनली लाइक रजिस्टर्ड ओनली एग्जिस्टिंग यूजर्स का, सेकेंड ऑप्शन ये होगा साइट में। तो जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में, जो बच्चे सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म भर रहे हैं, जो पहली बार जेई मेंस 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट का सेकंड अटेम्प्ट का सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एज अ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फॉर्म फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं, वो एज अ एग्जिस्टिंग यूज़र पे साइन इन करना है उनको। कि ध्यान रहे फर्स्ट अटेम्प्ट का जिन्होंने दे दिया है उनको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने दिए है उनको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपकी 2% टाइल आएगी, तो एनटीए आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, काउंसलिंग में भी आपको दिक्कत होगी। तो बेटर यही है कि जो रूल्स हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि जो आपको अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन दिया है तो एज अ एग्जिस्टिंग यूज़र पे करके साइन इन करना है। तो जैसे ही आप एज अ एग्जिस्टिंग यूज़र पे ओपन करके साइन इन करोगे तो वहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी क्लास 12th का जो स्टेट है वो कहाँ से आपने पास किया है वो डालना है, और अब बीटेक बी आग जिसमें आपको एडमिशन लेना है वो डालना है। जैसे ही वो फिल आउट करने के बाद आप अपना लाइक जो एग्जामिनेशन सेंटर है कहाँ कहाँ सेंटर लेना चाहते हो, चार जगह सेंटर मांगे जाएंगे, तो आप वो चारों जगह फिल आउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़, चार जगह आपने फिल आउट कर देना, उसके बाद अपने आपसे एड्रेस मांगा जाएगा, परमानेंट एड्रेस वगैरह, तो आप उसमें आधार कार्ड दे दो एंड फीस सबमिट कर दो, दैट से कि काम ख़त्म हो जाएगा आपका। तो एंड जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ध्यान से भरिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक स्टे सेफ एंड बाय बाय।